हरियाणा के दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। कैथल और बादली में चुनावी सभाएं करेंगे। दोपहर करीब 2:15 पर कैथल में रैली यहां पर राजनाथ सिंह की, शाम करीब 4:20 पर बादली में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कैथल और बादली में चुनावी सभाएं करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2:15 पर एक जनसभा तो दूसरी जनसभा 4:20 पर। ये दो बड़े कार्यक्रम जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे कैथल में करीब 2:15 उनकी रैली का आयोजन, जबकि शाम करीब 4:20 पर बादली में जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये तमाम कार्यक्रम राजनाथ सिंह के रहने वाले हैं। आज दो सभाएं उनकी, और हरियाणा चुनाव के मद्देनजर पार्टी किसी भी तरीके से यहां पर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हो, या तमाम दूसरे बड़े कद्दावर नेता, चाहे गृहमंत्री अमित शाह की बात हो। ये तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है बीजेपी ने, और इसीलिए आज राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, जिनका हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज दो बड़े कार्यक्रम, और इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश राय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिनके साथ जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी किस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, क्योंकि अब बहुत कम समय है ओम प्रकाश। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख पा रहे हैं, राजनाथ सिंह आज पहुंचने वाले हैं, उनके कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है? क्या देश के नाम पर वोट मांगा जाए, या प्रदेश की नीतियों के साथ और देश के नाम दोनों को साथ लेकर जनता से सीधा संवाद किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सारी जानकारी आप दे चुके हैं पहले ही, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी अगर आज हरियाणा में है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व सीएम जो है राजस्थान का अशोक गहलोत जो ऑब्जर्वर हैं, वो घोषणा पत्र जारी करेंगे चंडीगढ़ में जो हरियाणा कांग्रेस का कार्यालय है उसमें, और बताएंगे जो उनके साथ पहले जो खड़गे साहब ने किए थे, उसके बाद जो आज ये घोषणा होगी कि क्या वो हरियाणा में करने जा रहे हैं। रही बात पीएम मोदी की, तो तीसरी रैली कर रहे हैं। हरियाणा दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए राज्य है और बहुत छोटा सा राज्य है, 90 विधानसभा है, 10 लोकसभा इसमें है, और इसमें 16 तारीख से लेकर आज 28 तारीख है, 16 को पहली रैली हुई थी, 3 रैली कर चुके हैं जी। जो भी वो बात कर रहे हैं 10 साल के अपने शासन की बात वो सभाओं में करते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी का देखिए इस बार सफाया होने जा रहा है, जैसा हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर कोई बीजेपी से अगर देखा जाए तो जनता दुखी है और बदलाव की बात हर जगह कही है। केवल साउथ हरियाणा में जो है राव इंद्रजीत सिंह का जो इलाका है उधर थोड़ी सी बीजेपी मजबूत दिख रही है, नहीं तो अगर हम बात करें चाहे वो हिसार में आज कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ से भी एमपी कांग्रेस पार्टी का है, रोहतक में भी एमपी कांग्रेस पार्टी का है, सोनीपत में भी कांग्रेस पार्टी का है, सिरसा में भी कांग्रेस पार्टी का, चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी से घिरे हुए इलाके में आज जा रहे हैं। और बातें क्या कही जा रही हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे जो और राजनाथ सिंह हो या योगी हो, बातें अग्निवीर हम योजना देंगे, हम उनको नौकरी देंगे, पक्की देंगे। अगर आपने नौकरी उनको सरकारी पक्की देनी है तो सेना में ही क्यों नहीं? समय की बेहद कमी है और तमाम अहम जानकारियां आप हर वक्त हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं ओम प्रकाश, लेकिन इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज महत्वपूर्ण दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत शुक्रिया आपका।